भाई इसे बोलते हैं मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। किया सोनेट HTE ऑप्शनल है, HTK ऑप्शनल भी मिल जाएगा, HTE ऑप्शनल है। अब बात करते हैं गाड़ी में ऐसा क्या नया आया जो इसे HTE ऑप्शनल बना दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव और आज हम देख रहे हैं किया सोनेट HTE ऑप्शनल। ये कल ही लॉन्च हुई है, कल ही शोरूम पर गाड़ी अवेलेबल हुई है। गाड़ी देख सकते हो आप, HTE ऑप्शनल में नया क्या है, ये HTE है बेस वेरियंट जो कि 7,99,000 शोरूम प्राइस आ जाते थे हमें, अब ये पड़ेगा आपको 8,19,000 का HTE ऑप्शनल। अगर आप HTE लेते हैं तो वो आज भी 7,99,000 का है, और HTE ऑप्शनल लेते हैं तो वो 8,19,000 का है। उसके लिए आपको 20,000 रुपये एक्स्ट्रा करने पे करने होंगे। वहीं कहीं हरियाणा फैजाबाद में बात करूं तो ऑन रोड आपको इसमें 25,000 एक्स्ट्रा देने होंगे HTE पेट्रोल से। डीजल के प्राइसेस अलग हैं, ये जो हम देख रहे हैं ये पेट्रोल वेरियंट है। अब किया सोनेट HTE ऑप्शनल पेट्रोल वेरियंट में क्या क्या 20,000 में अपडेशन हुई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो भाई ये है कि 20,000 में आपको सनरूफ मिल रहा है इस गाड़ी के अंदर। अब बात कर लेते हैं फीचर्स की, तो फ्रंट में वही आपको हाइलोजन बेस्ड डुअल बैरल हेडलैम्प यूनिट मिलेगी, इंडिकेटर, नीचे फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, डीआरएस वगैरह नहीं मिलते, ब्लैक ग्रिल मिलेगी या ग्रे ट्रीटमेंट मिलेगा थोड़ा देखने के लिए, किया का सांटान लुक में न्यू लोगो, लोअर ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश में मिलेगी, नीचे स्किड प्लेट मिलेगी सिल्वर कलर की, बम्पर का कुछ पार्ट ब्लैक भी आपको देखने के लिए मिलेगा। यहां से भी आप गाड़ी का फ्रंट देख सकते हैं, मैनुअल वाइपर मिलेंगे विद टू वॉशर, ऊपर आपको सनरूफ इसमें मिल जाएगा। अब आ जाते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे, तो यहाँ फेंडर पे इंडिकेटर मिलेगा फ्रंट पे, दोनों पे फ्रंट डिस्क है, रियर ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे, 195/65 का टायर साइज मिलेगा, स्टील रिम्स है, ब्लैक व्हील कैप मिलेंगे सिल्वर, क्लैडिंग सराउंडिंग मिलेगी देखने के लिए, बॉडी कलर ORBM मिलेंगे, बॉडी कलर और ब्लैक, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलेंगे, रिएक्टेबल नहीं मिलेंगे, ए पिलर बॉडी कलर है, बी और सी आपको ब्लैक मिलेंगे, व्हाइट डोर हैंडल्स मिलेंगे बॉडी कलर, नीचे क्लैडिंग का पार्ट मिलेगा सराउंडिंग देखने के लिए, और रनिंग बोर्ड पे भी ब्लैक क्लैडिंग का पार्ट आपको मिलेगा, कनेक्टेड टेल लैंप्स मिल जाते हैं। एक बार ऑन कर लेता हूँ, यहाँ से आपको दिखा देता हूँ किस तरह के टेल लैंप्स मिलेंगे हमें। यहाँ आपको कुछ इस तरह से कनेक्टेड टेल लैंप्स मिलेंगे हाइलोजन बेस, ये कनेक्टेड नहीं है रिफ्लेक्टर है, अपर वेरिएंट में हमें कनेक्टेड मिल जाते हैं बट ये रिफ्लेक्टर, और ये तो पुराना वाला वेरिएंट नहीं है, ये भी नया ही खड़ा हुआ है। और यहाँ भी ना देखोगे आप, जैसे ये पार्ट उठा हुआ मिलता है हमें, जैसे बलिनो वगैरह में आपने देखा होगा, तो कुछ इस तरह से टेल लैंप है या इंडिकेटर, रिवर्स लाइट नीचे मिलेगी, दो रिफ्लेक्टर, दो पार्किंग सेंसर पॉइंट के हुए हैं, रियर बम्पर पे भी सिल्वर ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलेगा, ब्लैक भी है, किया का लोगो, सोनेट की बैजिंग वही साटन लुक में, प्लेन रियर विंडशील्ड मिलेगी, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, नॉर्मल एंटीना मिलेगा, यहाँ आपका फ्यूल टैंक हो गया। यहाँ से भी आप गाड़ी का साइड प्रोफाइल देख सकते हैं, ये तो हो चुका पूरा एक्सटीरियर। अब चलेंगे गाड़ी के इंटीरियर में हम, तो कुछ इस तरह की मिलेगी, कोई सेंटर लॉकिंग वगैरह नहीं है, बिल्कुल फिजिकल की मिलेगी। ये देख लेते हैं कि मैनुअल ये वर्क करती है या नहीं करती, तो यहाँ हाँ चारों डोर लॉक अनलॉक हो जाएंगे एक से ही, ये देखो लॉक हो गया, ठीक है। यहाँ मैं इसे अनलॉक करूंगा तो मैनुअल सेंटर लॉकिंग आपको की के थ्रू दी हुई है। यहाँ ड्राइवर डोर जैसे ही आप ओपन करोगे पूरा ब्लैक बेस इंटीरियर दिया हुआ है इसका, यहाँ डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए सिल्वर दिया हुआ है पार्ट, ORBM एडजस्ट करने के लिए, ये फ्रंट की दोनों पावर विंडो है, रियर की मैनुअल करनी होंगी आपको, स्पीकर की जगह वाटर बॉटल स्पेस दिया हुआ है, फ्यूल लाइट खोलने के लिए सेमी फैब्रिक सीट्स हैं एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ, आर्मरेस्ट मिल जाता है बेस वेरिएंट में, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर डेड पैंडल, यहाँ आपका आइडल ऑन ऑफ, हेडलाइट हाइट एडजस्ट, ट्रैक्शन ऑन ऑफ, चाबी की जगह चाबी लगा देते हैं, चलते हैं गाड़ी के अंदर। यहाँ AC वेंट मिल जाता है आपको सिल्वर देखने के लिए, और उससे पहले दिखा दो भाई, ये देखो बेस वेरियंट में आपको सनरूफ मिल रहा है HTE ऑप्शनल के अंदर, नॉर्मल एंटीना यहाँ सनरूफ मिल रहा है, यहाँ से भी आप इसे देख सकते हो, ठीक है। चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो भाई HTE ऑप्शनल में इंटीरियर में भी कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे आपको, वही सेम इंटीरियर देखने के मिलेगा जो HTE में मिलता, ऑप्शनल में यहाँ आपको सनरूफ मिल चुका है, ये शेड होगा, ये आपको नॉर्मली बंद करना होगा इसका, और ये आपका यहाँ सनरूफ कंट्रोल है। बाकी पहले स्टेयरिंग दिखा देता हूँ, विदाउट एनी रैप स्टेयरिंग दिया हुआ है 3 स्पोक में, यहाँ पे सिल्वर ट्रीटमेंट दिया हुआ है, स्टेयरिंग एडजस्टमेंट मिल जाती है, टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है, तो भाई ये देखिए आप, कोई रैप नहीं है, विदाउट एनी रैप स्टेयरिंग मिलेगा, अच्छी ग्रिप मिल जाती है 3 स्पोक में है, या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स मिलेंगे, किया का लोगो, इसमें हमें टोटल 6 एयरबैग मिल जाते हैं बेस वेरिएंट से देखने के लिए, ये साटन लुक में न्यू लोगो है, ये सिल्वर ट्रीटमेंट मिलेगा, यहाँ हेडलैम्प कंट्रोल्स दिए हुए हैं इस जगह पे, यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स दिए हुए हैं, कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा,
कंसोल दिखा देता हूँ, इंस्ट्रूमेंट कंसोल, ये देखो कुछ इस तरीके से ऑन होगा। सिस्टम चेक, पूरी गाड़ी चेक होगी। यहाँ पे आपका आरपीएम्स है, स्पीड मीटर यहाँ दिया हुआ है डिजिटल, ये इंजन टेम्परेचर गेज, यहाँ फ्यूल गेज, बीच में एमआईडी दी हुई है, किलोमीटर आपको यहाँ मिलेंगे। और इसमें हमें मिल जाता है टीपीएमएस मिल जाता है बेस वेरिएंट में। यहाँ आप लाइट वगैरह की, डोर वगैरह की सेटिंग जाके कर सकते हो। कुछ इस तरह से बोनट व्यू आ जाता है। अच्छा ये चीज और बता दूं, BS6 फेज 2 का नॉम है ये। अगर आप SUV कहीं भी नाम आ रहा है तो वहां आपको बोनट व्यू थोड़ा सा दिखना चाहिए। BS2 की, फेज 2 की सारी गाड़ियों में आप देखोगे तो थोड़ा बहुत बोनट व्यू सब में मोस्टली दिख रहा है। तो यहाँ कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आ जाएगा, वही सेम डैशबोर्ड है, कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ आपका जगह मिल जाती है, 2D लगवाओ या 3D लगवाओ, 3D टच लगवाओ, 3D बोल गया मैं, आप चाहे सिंपल म्यूजिक सिस्टम लगवाओ या टच में लगवाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जगह दी हुई है यहाँ टच के अकॉर्डिंग, पूरा पैनल दिया हुआ है। ये ग्लोसी ब्लैक में आप चेंज करा सकते हो, जैसे अपर वेरिएंट्स में हमें मिल जाता है। हजार लाइट का बटन, यहाँ फैंस की स्पीड आपको देखने के लिए मिलेगी इस जगह पे, इस तरह से पॉइंट्स में ये आपका माइनस हो जाएंगे हजार लाइट। AC वेंट, सराउंडिंग सिल्वर ट्रीटमेंट है, ये टेम्परेचर के लिए, AC मोड्स के लिए, AC के बटन, ये इनटेक आउटटेक के लिए। यहाँ स्पेस मिल जाता है ये इसमें गियर कंसोल में, 12 वोल्ट का आउटपुट, USB चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा, 5 गियर का ट्रांसमिशन मिलेगा कुछ इस तरह के साथ, मैनुअल हैंड ब्रेक्स, 2 कप होल्डर, आर्मरेस्ट दिया हुआ बेस वेरिएंट में, स्टोरेज के साथ आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का ग्लोब बॉक्स मिलेगा विद स्टोरेज। भाई सही है, आर्मरेस्ट मिल रहा है बेस वेरियंट में, सनरूफ मिल रहा है, और क्या लोगे। यहाँ पे मैनुअल डिमिंग IRBMs दिए हुए हैं इस जगह पे, सनग्लास होल्डर है बेस वेरियंट के अंदर, यहाँ पे रीडिंग लाइट दी है येलो, ये सनरूफ कंट्रोल है। इस तरीके से आपका सिंगल टच पे सनरूफ ओपन हो जाएगा और यहाँ सिंगल टच पे बंद हो जाएगा। ये सारी रीडिंग लाइट्स आप ऑन कर सकते हो, पीछे वाली भी और आगे वाली भी। यहाँ वेंट मिरर वगैरह नहीं मिल रहा, सनवाइजर में कुछ प्लेन है, और यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी टिकट होल्डर वगैरह नहीं मिलेगा। ये तो हो चुका ड्राइवर फ्रंट। अब एसेसरीज इसका कर देते हैं ऑफ, एसेसरीज मोड, और आ जाते हैं गाड़ी से बाहर। तो यहाँ पैसेंजर डोर जैसे ओपन करेंगे, यहाँ आपको डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए, ग्लास अप डाउन करने के लिए, वाटर बॉटल स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पे एड ऑन हेडरेस्ट मिल जाते हैं आपको, एडजस्टेबल नहीं दिए हुए। पीछे AC वेंट्स आ चुके हैं, टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ पे आपका लाइट हो चुकी, बाकी सनरूफ में आपको दिखा चुका। तो भाई ये काफी चीजें आ जाती हैं अट्रैक्टिव देखा जाए तो HTE ऑप्शनल में। अब वहीं इसका बूट गेट ओपन करेंगे, तो बूट तो आपको पता है कि इसमें पहले से चेंजेस आ चुके हैं, इलेक्ट्रिक बटन दिया हुआ है बूट गेट खोलने के लिए। यहाँ 382 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, पहले 395 लीटर का मिलता था, बट इसमें लेग रूम बढ़ा दिया तो वहाँ कम कर दिया। पार्सल ट्रे की जगह दी हुई है, लगवा सकते हो आप। यहाँ स्पेयर व्हील भी, टूल्स, हुक मिल जाते हैं वेट हैंग करने के लिए, बाकी कुछ इस तरह का बूट स्पेस इसमें हमें मिल जाता है। जैसे इसका बोनट ओपन करेंगे, इंसुलेशन पैडिंग वगैरह तो हमें नहीं मिलती। 1.2 लीटर का स्मार्ट स्ट्रीम जी पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 82 BHP की, और टॉर्क जनरेट करता है 150 न्यूटन मीटर का। BS6 फेज 2 के साथ आप एक गाड़ी देख रहे हैं, इसमें हमें कैपेसिटी बताऊं 45 लीटर का फ्यूल टैंक और 385 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। तो भाई ये था आपका किया सोनेट HTE ऑप्शनल का इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस। अब आप देख लो, 20,000 रुपए एक्स्ट्रा देकर अगर आपको गाड़ी में सनरूफ मिल रहा है तो आप लोगे या नहीं लोगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी पूरी गाड़ी दिखा दी, HTK भी मिल जाती है इसमें आपको ऑप्शनल, उसमें भी आपको सनरूफ मिल जाएगी जैसी वो गाड़ी शोरूम पर अवेलेबल होगी, उसकी वीडियो भी मैं आपके लिए ले आऊंगा। बाकी बीच में शॉर्ट वीडियो आपने उसकी देख ली होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।